जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कार्यालय में पार्टी का विस्तार करते हुए जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह ने पीयूष त्रिवेदी को युवा प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर युवा प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष पीयूष त्रिवेदी ने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का तहे दिल से आभारी हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास करते हुए मुझे नगर अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया। और मैं उनको और आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में निरंतर ये संघर्ष चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले इन 5 सालों में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का परचम हर घर तक पहुंचेगा। इसकी जिम्मेदारी जो हम लोगों को दी गई है उसको बाखूबी निभाएंगे हम लोग, और जो भी हम लोगों की कार्यकारिणी अब आगे नीचे से गठित होगी वो एकदम संघर्षशील और काम करने वाले लोगों के साथ में जुड़ के तैयार होगी, जिसमें से महिलाओं के लिए हम लोगों का ज्यादा एक सोच चल रही है कि हम लोग महिलाओं को ऐसे जो है नियुक्त करें, ऐसे सक्रिय सदस्य के रूप में लें, ताकि जो है उनकी भी भागीदारी हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम भूमिका रखती है। जिस तरह से 1993 से लेके और आज दिन तक राजा भैया हमेशा अपने दमखम पे चुनाव जीतते आए हैं और लोगों का प्यार पाते आए हैं, उसी विश्वास को ये पार्टी की नींव लोगों के कहने पे पड़ी है, ये पार्टी उनके समर्थकों के कहने पे इसकी नींव पड़ी है, तो वो चीजें जो है हमेशा निरंतर चलती रहेगी। लखनऊ के अंदर में आपको हर तरह का संघर्ष, पार्टी की बढ़ोतरी, वो सब देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव सर पर है, कैसे क्या बस इसीलिए एक कार्यकारिणी गठित हुई है और सेना जो है तैयार है, क्षेत्र भी तैयार है, अब उस पे जाके हम लोगों को हुड्डा की सियासत क्या लगता है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश गांव का मिलेगा फिर से मैं जानना, हुड्डा की जो सियासत है ठीक है जो राजनीतिक है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप युवा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष बने, इतना समर्थन आपको लगता है आने वाले समय में? अब ये तो जो है वक्त बताएगा, हम लोगों की कार्यशैली बताएगी, हम लोगों का संघर्ष बताएगा और उस चीज के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर मुझे माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह हम राजा भैया जी ने अगर नियुक्त किया है तो उन्होंने कुछ तो ऐसी चीज देखी होंगी, उसी के अंतर्गत वही जो है एक संघर्ष जारी रहेगा। मैंने क्या कहा, लोग अच्छे जोड़ेंगे। इस बार का जो हम लोगों का एजेंडा चुनावी मैदान में भी जैसे हमें पार्टी से निर्देश मिलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से हमें निर्देशित करेंगे उस तरह से हम कार्य करेंगे। हमारे पास में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों के पास में अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने के लिए वो टूल्स मौजूद हैं, जिससे हम क्षेत्र की जनता को अपने साथ में मिला के उनका साथ पा के चल सकते हैं।